सर आर्मी वालों को शराब क्यों दिया जाता है? उनके शरीर में बैलेंस नहीं बनेगा, आधा बैलेंस बनाएगा तो गिर के चलेगा। हम सिकंदर तृतीय है, प्रधानमंत्री हमारे सामने, और जब घर में जाता है या कहीं जाता है तो कोई कह देता है पुलिस पुलिस, तुरंत उसका शरीर बेलम सही हो जाता है। शराब नहीं पिए हम, ये जो पीछे होता है ना यहाँ हड्डी नहीं होती है, इसलिए किसी को भी यहाँ ज्यादा जोर से मार दीजिएगा ना हुमच के एक दो मुक्का तो दिक्कत हो जाएगा, वो मर भी सकता है। दोस्ते में भी, अरे दोस्त यार दोस्त हो तो पियो ना, आप उसको जहर दीजिएगा, दोस्त हो तो पियो ना मेरे लिए जहर, दोस्ती है तो सांप से कटवा लो ना, दोस्ती है तो कुतुब मीनार से कूद जाओ ना। सच सुन नहीं, ये मैं दोस्ती नहीं, ये कौन दोस्ती है? शेरी बेलम और मॉडुला ऑब्लोंगाटा। शेरी बेलम का काम क्या होता है कि हमारे बोलने को डिसाइड करता है कि हम क्या बोलेंगे, ये उसी को डिसाइड करता है। जैसे किसी किसी का शेरी बेलम गड़बड़ होता है या उतना सही नहीं हो पाता तो दला के बोलने लगता है, खाना खा लिए, ये कंट्रोल कहां से नहीं हो पा रहा है, शेरी बेलम से उसका कंट्रोल अच्छा से नहीं हो पाता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि शराब पीने के बाद ही गड़बड़ा जाता है और ये हमारे शरीर को बैलेंस बना के रखता है। हम 20 डिग्री तक झुक जाएंगे तो हम भी हमारा शरीर को ये गिरने नहीं देता है। देखिए ऐसे 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 कुछ घूमिएगा, हमारे शरीर को बैलेंस बना लेता है। आप कभी बैलेंस नहीं बनाते हैं क्या? हम इस कलम को छोड़ दें तो ये बैलेंस बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। हमको आप कैसे भी छोड़ दीजिए, हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है कि पैर किधर रखना है किधर नहीं, वो अपने से रख लेगा, अपने से सही कर लेगा। और जो नाचने हो नाच गान होता है, डांसर जो होती है सब, वो अपने से इधर उधर ऐसे ऐसे दुका दुका करते रहती है ऐसे ऐसे, तो उन सबका शरीर गिरता ही नहीं है। वो कभी ये नहीं सोचती है कि हमारा पैर कहाँ रखना है, ये कहता है टेंशन मत ले, पैर कहाँ रखना हम रखवा देंगे, दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और क्या करता है, ये मांसपेशियों को सिकोड़ता और फैलाता है, मेनली हार्ट को धड़काता है, दिल की धड़कन को धक 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 धड़काता है, मांसपेशियों को सिकोड़ता है फैलाता है। तीन काम, कितना काम भैया? तीन। हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है, पहला हमारे बोलने को कंट्रोल करता है, और दिल की धड़कनों को सिकोड़ता फैलाता है। समझ में आ गया? शराब पी लेंगे चौपट हो जाएगा, ये शराब पीने के बाद ये काम नहीं करता है। इसलिए शराबी को देखिए, उसके जुबान पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा, शरीर पे भी नहीं, उनके शरीर में बैलेंस नहीं बनेगा, आधा बैलेंस बनाएगा तो गिर के चलेगा। हम सिकंदर तृतीय है, प्रधानमंत्री हमारे सामने, पीने के बाद वो प्रधानमंत्री को कुछ नहीं समझता है, पी लेगा सब एकदम गर्दा मचा देगा। यहाँ बिहार में शराब पी के गर्दा मचाता था, सब हर जगह मचाता है, बट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थे ना, 2015 के इलेक्शन के वक्त में, 15 में ना इलेक्शन था, हाँ उस वक्त में उन्होंने कहा कि हम शराब पे बैन लगा देंगे, बैन लगा दिया। अब बिहार में शराब पीने वाला शराब पी लेता है, चोरी छुपे से कहीं से इंतजाम करके पी लेता है, और जब घर में जाता है या कहीं जाता है तो कोई कह देता है पुलिस पुलिस, तुरंत उसका शरीर बेलम सही हो जाता है। शराब नहीं पिए हम। जो शराबी पहले खुद को सिकंदर समझता था, अभी वो भी हड़क जाता है, क्या हो गया, उमच के मारता है सब, फाइन भी लगता है। देखो 100% रामराज तो कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, पहले से पता है कि यहाँ इंसानियत खत्म होगी, लेकिन फिर भी बिहार में शराब बंद होने से शराब अवेलेबिलिटी 100% नहीं खत्म हुई है, बल्कि बहुत हद तक उसमें इंसान चोरी छुपे पीता है। जो शराब इजिली 100-150 में अवेलेबल हो पाता था, वो 700-800 में होता है। तो शराब को खत्म करने का एक रास्ता है कि भैया अगल बगल के पड़ोस में भी शराब बैन होना चाहिए। अब झारखंड में शराब मिलता है, वहां से बिहार में चला आता है, यूपी में खुला मिलता है, बिहार में चला जाता है, बंगाल से आ जाता है, नेपाल से आ जाता है, तो अकेला बिहार क्या करेगा? या तो फिर शराब को इतना महंगा कर दो, इतना महंगा कर दो कि जिनकी औकात है वो पिए। अब भैया अंबानी है, पियो ना भैया, थोड़ा किडनियों खराब हो जाएगा तो 4 को किडनी लटका लेगा, 2 को बाहर, जियो का, रिलायंस का, महिंद्रा का लगा लो किडनी से सूत्र है। अब यहाँ रिक्शा वाला ठेला वाला खाने को पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने को नहीं है, पी के उल्टा हुआ है, ये गड़बड़ बात हो जाती है। समझ गया? तो शराब पीने से क्या गड़बड़ होता है? शेरी बेलम, ये पीछे का शेरी बेलम चौपट, ना शरीर रहेगा बैलेंस में और ना ही आपका कुछ भी रहेगा। एक्सेस शराब पी लीजिएगा ना तो मर भी सकते हैं, क्योंकि इसका एक और काम याद कीजिए, दिल की धड़कनों को कंट्रोल कर रहा था, दिल की धड़कनों को भी ये सिकुड़ा रहा था, ज्यादा फैल देंगे तो दिल को छोड़ देगा, कहेंगे शराब पिए तो सुतले रह गए, सुतले ना रह गए, ब्रेनवे चौपट हो गया। ये पीछे होता है, और सबसे बड़ी खराबी क्या है, ये जो पीछे होता है ना यहाँ हड्डी नहीं होती है, इसलिए किसी को भी यहाँ ज्यादा जोर से मार दीजिएगा ना हुमच के एक दो मुक्का तो दिक्कत हो जाएगा, वो मर भी सकता है। क्योंकि अगर शेरी बेलम गया तो मान के चलिए कि शरीर का बैलेंस नहीं बना पाएगा, बोल नहीं पाएगा, आप पूरा तरह चल गया तो दिल को धड़का नहीं पाएगा, मर जाएगा। तो शरीर का लघु ब्रेन, छोटका ब्रेन कहा जाता है किसको? शेरी बेलम को। शेरी बेलम के पीछे सिक्योरिटी के लिए कोई हड्डी नहीं होती है, हुमच के मारेंगे मर जाएगा आदमी। ये हमारे बोलने को कंट्रोल करता है शेरी बेलम। देखिएगा कोई कोई बोलता है तो बहुत थूकता है, बोलेगा ना अच्छा थूक निकलने लगता है,
कंट्रोलिंग उसका मेन सेरिबेलम से ही होता है, तो तला के बोल देगा, या फिर शराब पिएगा तो चढ़ के अपने आप को प्रधानमंत्री से भी ऊपर समझेगा, हम ही है राष्ट्रपति, हम ही प्रधानमंत्री। सोचो बहुत एक से एक पियक्कड़ होता है, शराब पी लेते हैं, आप में से बहुत से लड़के पीते भी हुए, ये एकदम गलत बात है। इस अब हमारे कहने से आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए बेटर वो है कि जो लोग अभी शराब नहीं पी रहे हैं, ध्यान से समझिए, जो शराब पीने लगा ना वो नहीं छोड़ेगा, वो कुछ भी करोगे नहीं छोड़ेगा, एक दो अपवाद के तौर पे छोड़ देते हैं, बट शराबी कहेगा आज से छोड़ देंगे, एक महीना बाद फिर शराब पीने लगेगा, बट उनके लिए तो कोई उपदेश ही नहीं है, तू पियो ससुर, तू नहीं सुधरेगा वहां। लेकिन जो शराब नहीं पीते, अपने दोस्तों में जो शराब पीते हैं उनसे स्ट्रिक्टली कहोगी जब बात शराब की आएगी तो कोई दोस्ती उस्ती नहीं, दोस्ती में भी अरे दोस्त यार, दोस्त हो तो पियो ना, आप उसको जहर दीजिएगा, दोस्त हो तो पियो ना मेरे लिए जहर, दोस्ती है तो सांप से कटवा लो ना, दोस्ती है तो कुतुब मीनार से कूद जाओ ना, ससुर तू नहीं, ये मेरी दोस्ती नहीं, ये कौन दोस्ती है, अरे दोस्ती है तो कौन जी शराबू पियोगे, ऐसा थोड़ा ना होता है दोस्ती, तो सेरिबेलम चौपट हो जाता है। चलिए आपको इतना समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला जो होता है वो इसी में एक हिस्सा होता है छोटा सा, जिसे हम लोग कहते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा, इसी में एक छोटा हिस्सा होता है, पश्च मस्तिष्क में ही होता है, यहां पर छोटा सा हिस्सा जिसे कहते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा जो होता है वो ब्रेन, वो उन सारी क्रियाओं को कंट्रोल करता है जिसे हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, जो हमारी इच्छा में नहीं चलती है, अनैच्छिक है, वो किसके हिसाब से चलती है, मेडुला ऑब्लांगाटा, जैसे श्वसन, सांस लेना हमारी इच्छा में नहीं है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लांगाटा। पश्च मस्तिष्क का ही एक छोटा सा भाग है, पाचन की क्रिया मेडुला ऑब्लांगाटा, ब्लड घूम रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम मेडुला ऑब्लांगाटा, एक्सक्रेटरी सिस्टम किडनी मेडुला ऑब्लांगाटा, बड़ी आंत मेडुला ऑब्लांगाटा, छोटी आंत मेडुला ऑब्लांगाटा, लीवर मेडुला ऑब्लांगाटा, जिस चीज को हम कंट्रोल नहीं करते हैं उस चीज को मेडुला ऑब्लांगाटा कंट्रोल करता है। इसीलिए किसी का ब्रेन डेड होता है तो उसका सब चीज डेड हो जाता है, क्योंकि सारा सप्लाई ब्रेन से ही हो रहा है, सारा सप्लाई किससे हो रहा है, ब्रेन से हो रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर आर्मी वालों को शराब क्यों दिया जाता है? आर्मी वालों को शराब एक लिमिटेड मात्रा में दी जाती है ताकि वो ऐसे एटमोसफियर में एकोमोडेट कर सके, ऐसे ऐसे जगहों पर आर्मी वालों की ड्यूटी लगती है जहां एक आम इंसान को जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई फौजी पैदा हुआ बिहार उत्तर प्रदेश में, उसके वहाँ का क्लाइमेट कुछ और, उसको सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ा दीजिएगा, वहाँ वो प्रेशर से मर जाएगा, वहाँ वो सचुरा ठंड से मर जाएगा, इससे अच्छा उसको शराब पिला दीजिए। जब शराब पी लेगा ना तो उसका ये जो पीछे वाला है सेरिबेलम, ये उतना कंट्रोल में नहीं रहेगा, बट उसको भी ज़्यादा नहीं देने को रहा जाता है। फौज में भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप ट्रेन में नहीं पी सकते हैं, या एक एकोमोडेशन के लिए उन्हें शराब दिया जाता है एक लिमिटेड मात्रा में, और वो शराब बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि ये नशा कम करे बल्कि शरीर को एकोमोडेट करने में मदद करे। इसलिए शराब पीने वाले फौजी को कभी नहीं देखिएगा, देखिए ज़्यादातर फौज में शराब लीगली उनको प्रोवाइड कराया जाता है, बट कभी नहीं देखेंगे कोई फौजी नाली में गिरा है। लेकिन जो बाजार में शराब दिया जाता है उस शराब पर ध्यान रखा जाता है कि इसमें कम से कम पैसे में मिले ताकि लोग इजीली खरीद सके और ज्यादा से ज्यादा नशा करे कि मोहल्ले में गरिया सके, तभी तो बिकेगा शराब यहाँ पर। तो उन शराब में और इस शराब में शेर और सुअर का अंतर होता है, समझ में आ गया।